तो 2018 और 19 में मार्वल ने अपनी इन्फिनिटी सागा को एक अमेजिंग कंक्लूजन दिया था। एंड देन जब सब सोच ही रहे थे कि मार्वल इस हाइप को कैसे आउटडन करेगा, केविन फाइगी ने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को अनाउंस कर दिया। पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन्फिनिटी सागा एंड सीक्रेट वॉर्स के अलावा ऐसी कौन सी मार्वल की स्टोरी लाइन्स हैं जो अपना सिनेमैटिक एडेप्टेशन डिजर्व करती हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? वेल, अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं पता तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी स्टोरी लाइन्स के बारे में जो मार्वल की अब तक की ऑल टाइम बेस्ट हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि तुम्हें इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तुम्हारे प्रेसियस टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो नंबर 10 पे है एनहाइलेशन। इस कॉमिक सीरीज का डेब्यूट हुआ था 2006 में और इसमें मार्वल का कोई भी मेन स्ट्रीम सुपर हीरो नहीं था, और इस सीरीज के इंट्रोड्यूस होने का मोटिव मार्वल की कॉस्मिक साइड के सुपर हीरोज को एस्टेब्लिश करने का था। इस इवेंट के लीड्स में नोवा, सिल्वर सर्फर और ड्रैक्स जैसे कैरेक्टर्स थे, और इसका मेन एंटागोनिस्ट था एनहाइलेस, जो कि बहुत साल के लिए नेगेटिव जोन नाम के डायमेंशन में कैद था। और उसके आजाद होने के कुछ वक्त बाद ही वो एनहाइलेशन वेव नाम की एक आर्मी को लीड करता है, जिनका गोल है पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर करना। अब यूनिवर्स बिना एवेंजर्स और एक्समैन के कैसे बचेगा, ये जानने के लिए तुम्हें ये कॉमिक सीरीज पढ़नी होगी। नंबर 9 पे है द नाइट ग्वेन स्टेसी डाइड। तुम्हें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का वो सीन तो याद ही होगा जब पीटर ग्वेन को नीचे गिरने से पहले नहीं बचा पाता। ये वाला सीन डायरेक्टली इस कॉमिक से लिया गया था। इनफैक्ट स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन नो वे होम में भी इसका रेफरेंस मिल जाता है। ऑल्दो स्पाइडरमैन में ग्वेन मैरी जेन से और स्पाइडरमैन नो वे होम में मिसेल जोन से रिप्लेस होती है। कॉमिक में ग्रीन गॉब्लिन ग्वेन स्टेसी को किडनैप कर लेता है और उसे ब्रिज से फेंक देता है, एंड स्पाइडरमैन उसके लेग पे अपना वेब सूट करता है और उसे लग ही रहा होता है कि ग्वेन शायद बच गई, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। और स्पाइडरमैन कॉमिक्स के इतिहास में ये सबसे ब्रूटल डेथ्स में से एक डेथ मानी जाती है। नंबर 8 पे है स्पाइडरमैन की ही दूसरी कॉमिक सीरीज क्लेमेंस लास्ट हंट। हर बार स्पाइडरमैन को मारने की नाकाम कोशिश करने के बाद ये सुपरविलन बहुत थक चुका होता है, और इस बार ये एक नए प्लान के साथ चलता है अपने आखिरी हंट पे। इसका प्लान होता है स्पाइडरमैन को जिंदा दफन करने का, और ये इस प्लान में कामयाब भी हो जाता है। बट लाइक दे से इन कॉमिक्स अ सुपर हीरो नेवर डाइज। स्पाइडरमैन वापस उठ खड़ा होता है और निकल पड़ता है इस हंटर का हंट करने। नंबर 7 पे है वॉवलिंग की ओल्ड मैन लोगन। ये कहानी अर्थ 807128 में सेट है, जहाँ पे सुपर विलन्स का कब्जा है और इन्होंने आपस में ही अर्थ के पार्ट्स का बंटवारा कर रखा है। जिस जगह लोगन रहता है वहाँ के लैंडलॉर्ड्स है हल्क गैंग के मेंबर्स, जो कि हल्क और सी हल्क के डिसेंडेंट्स हैं। तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो, इस यूनिवर्स में हल्क और सी हल्क ने आपस में कंज्यूमेट किया है। अब जब लोगन उन लैंडलॉर्ड्स को लैंड देने में सक्षम नहीं होता तो वो ब्रूटली लोगन को मारते हैं, और ये लोगन अब पहले जैसा डेडली नहीं रहा जो उनसे फाइट बैक कर सके। इस कॉमिक सीरीज में नाम के अकॉर्डिंग ही लोगन बुढ़ा और कमजोर हो चुका है, और उसका हीलिंग फैक्टर भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अपनी लाइफ को पीसफुली अपनी वाइफ मॉलिन और दो बच्चे स्कॉटी एंड जेट के साथ बिताना चाहता है, बट अब उसकी लाइफ में ये लैंड वाली एक नई प्रॉब्लम है। वहीं एक बुढ़ा हॉक आई लोगन को एक खतरनाक जॉब देता है, जिससे शायद वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, एंड लोगन निकल पड़ता है एक और एडवेंचर के लिए जो कि शायद उसका आखिरी एडवेंचर होगा। नंबर 6 पे है डेयर डेविल बॉर्न अगेन। इस कॉमिक सीरीज में डेयर डेविल की सीक्रेट आइडेंटिटी किंग पिन को पता चल जाती है, और फिर किस हिसाब से वो मेंटली और फिजिकली मैट मर्डॉक को टॉर्चर करता है इसकी कोई हद नहीं होती। ये कहानी फिर आगे बढ़ती है और हमें दिखाती है कि कैसे डेयर डेविल अपनी वापसी करेगा, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट आने वाली डिज्नी प्लस सीरीज का नाम भी डेयर डेविल बॉर्न अगेन ही है। तो लेट्स वेट एंड वॉच एंड होप कि हमें एक प्रॉपर कॉमिक एक्यूरेट डेपिक्शन इस सीरीज में देखने को मिले। ऑल्दो डिज्नी में आने की वजह से लोगों को अपने डाउट्स होंगे, बट देन अगेन वी हैव मिस्टर केविन फाइगी विद अस। नंबर 5 पे है डेडपूल क्रिस द मार्वल यूनिवर्स। ये कहानी सेट है अर्थ 12101 में, और हम स्टोरी की स्टार्टिंग में वॉचर को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि कैसे उसने अनगिनत रियलिटीज देखी है और उसमें से कई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे फैंटेस्टिक फोर एक एक करके डेडपूल के द्वारा मारे दिए जाते हैं, और फिर वॉचर बताता है कि ये कहानी यहाँ से स्टार्ट भी नहीं हुई थी, और हम इंट्रोड्यूस होते हैं ऐसे यूनिवर्स से जहाँ मार्वल के हर सुपर हीरो को डेडपूल मार देता है। नंबर 4 पे है इन्फिनिटी गॉन्टलेट। आई एम श्योर तुमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम तो देखी होगी, बट अगर तुमने ये कॉमिक सीरीज नहीं पढ़ी देन तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। कॉमिक वाला थानोस मूवी की तरह उतना फिलोसफिकल नहीं है, एंड उसके इविल काम करने का मोटिव है मिस्ट्रेस डेथ को इम्प्रेस करना। अब ये कॉमिक सीरीज मूवी से कितनी डिफरेंट है ये जानने के लिए बेटर है कि तुम इस सीरीज को ही पढ़ लो, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बताऊंगा तो हो सकता है काफी प्लॉट स्पॉइल हो जाए। नंबर 3 पे है द डार्क फीनिक्स सागा। आज भी जब एक्समैन की कोई नई कॉमिक सीरीज आती है तो उसे इस सीरीज से कंपेयर किया जाता है। आर्ग्यूबली दिस इज द बेस्ट कॉमिक बुक स्टोरी लाइन रिलेटेड टू एक्समैन। इसके बेसिक प्लॉट की बात की जाए तो ये सीरीज जीन ग्रे के फीनिक्स फोर्स बनने से लेकर उसके द्वारा डिस्ट्रक्शन किए जाने तक की है। ये कहानी बाकी एक्समैन को जीन ग्रे के अपोजिट खड़ा कर देती है, और हमें एक ऐसा कॉमिक बेस्ड ड्रामा देखने को मिलता है जहां अपने ही टीममेट को आपको किसी भी तरह से रोकना होगा।
एंड इवन दो हमें एक्समैन की मूवीज में इसका एडेप्टेशन देखने को मिल चुका है, बट किसी भी मूवी ने इसे ओरिजिनल स्टोरी लाइन को जस्टिस नहीं दिया है। नंबर टू पे है द गैलेक्टस ट्रायलॉजी। ये सीरीज मार्वल के नोटेबल सुपर विलन गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस करने के लिए पॉपुलर है और ये मार्वल की ओल्डेस्ट कॉमिक स्टोरी लाइन में से एक है, जिसका डेब्यूट 1966 में हुआ था। गैलेक्टस एक ऐसा खतरनाक कॉस्मिक विलन है जो अलग अलग वर्ड्स की एलिमेंटल एनर्जीज पे फीड करता है, एंड इसलिए ये कभी भी किसी पर्टिकुलर सुपर हीरो का सोलो विलन नहीं बन सकता। गैलेक्टस का स्टोरी में आना हमेशा से ही कॉमिक में एक यूनिवर्स अफेक्टिंग इवेंट रहता है। ऑल्दो स्टार्टिंग में ये सिर्फ फैंटास्टिक फोर के इश्यूज में आता है, बट इसकी पॉपुलैरिटी ने इसे एक एवेंजर्स लेवल थ्रेट बना दिया है। ये कॉमिक सीरीज इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इससे पहले कॉस्मिक लेवल में ऐसा कोई भी विलन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, एंड ये एक मॉलेली ग्रे कैरेक्टर भी है बिकॉज ये वर्ल्ड पे फीड सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए करता है। इसके पीछे कोई वर्ल्ड कॉन्कर करने वाला मोटिव नहीं होता, जो कि इस विलन को और एम्पैथिक भी बनाता है। अगर तुम इस आइकॉनिक विलन का ओरिजिन देखना चाहते हो तो इस कॉमिक सीरीज को तुम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इस लिस्ट में टॉप की मार्वल स्टोरी लाइन बताने से पहले मैं कुछ स्टोरी लाइन का नाम बताना चाहता हूँ जो भले ही इस लिस्ट में ना हो, बट स्टिल उन्हें भी मार्वल की आइकॉनिक कहानियों में से एक कहा जा सकता है, और अगर तुम अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन दो तो क्या पता तुम्हारी टॉप 10 लिस्ट में वो वाली कॉमिक आ भी जाए, जैसे कि सिविल वॉर, एवेंजर्स फॉरएवर, डेथ ऑफ वॉल्वलिन, प्लैनेट हल्क, और 2021 में जो कैंग द कॉन्करर की ओरिजिन स्टोरी रिलीज हुई है, जो कैंग की काफी कहानियों को रिबूट करती है और उनको एक सही दिशा देती है, क्योंकि कॉमिक में कैंग का ओरिजिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इस कॉमिक का नाम है ओनली मायसेल्फ लेफ्ट टू कॉन्कर। अब बारी है इस लिस्ट के नंबर वन कॉमिक की, एंड हो सकता है इस स्टोरी लाइन को तुमने गेस भी कर लिया हो। ये कॉमिक सीरीज है सीक्रेट वॉर्स। इस कॉमिक में बियॉन्डर मार्वल के मेन यूनिवर्स अर्थ 6-1 से काफी फैसिनेट हो जाता है और वो कई सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को बैटल वर्ल्ड नाम के प्लेनेट में उनके विल के अगेंस्ट टेलीपोर्ट कर देता है और फिर उन्हें ऑर्डर देता है कि अपने एनिमीज को मार डालो और जो भी तुम डिजायर करोगे वो तुम्हारा होगा। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी रूमर्स आ रहे कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में बियॉन्डर कैंग का ही एक वर्जन होगा। अब इस कहानी में इतने कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम लेते लेते तुम थक जाओगे, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हॉकआई, कैप्टन मार्वल, हल्क, थॉर, स्पाइडरमैन, फैंटास्टिक फोर, वॉल्वलिन और ना जाने कितने और सुपर हीरोज और विलन्स। अगर तुम एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का वेट कर रहे हो, एंड अगर क्या मुझे पता है तुम कर ही रहे होगे, तो तुम इस कॉमिक स्टोरी लाइन को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो यही थी वो 10 स्टोरी लाइन जो मार्वल की सबसे आइकॉनिक कहानियों में आती है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर मैं कोई कॉमिक भूल गया हूँ तो कमेंट में गाली मत देना, बट हाँ कमेंट में उस कॉमिक का नाम लिख के जरूर बताना। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में।